Balan Nayar. Hey, कहाँ ले जा रही हो? Nice bedroom, huh? Nice room. ये तुमने क्या हाल बना रखा है? कैसा हाल? इस वक्त यहाँ क्यों आए हो तुम? अरे कोई बात नहीं है। मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं कुछ कहने आया हूँ, कहकर चला जाऊंगा। अरे कहाँ गया? बालन, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? I love you. What? I love you. जब से मुझे वो कैमरा मिला है तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने और उमर ने क्या क्या नहीं किया है। You have no idea. पहले तो ये सब टाइम पास था, फिर जब मैं तुमसे अचानक मिला, तुम्हारे करीब आया, तब से मैं तुम्हें देखे बिना रह ही नहीं पाता हूँ। आई लव यू। शीला, बेटा खाना खाने आ जाओ। आ रही हूँ। यहाँ दूसरा रूम है क्या? अरे जब तक मैं वापस नहीं आती चुपचाप यहीं बैठना। कितनी देर लगा दी, हमने स्टार्ट कर दिया। देखो बेटी, इसे राहुल के पापा ने इटली से भेजा है, अच्छा ब्रांड है। बेटा, फ्लावर वाले ने मुझे फोन किया था। हाँ? पूछ रहा था तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। ऑर्किड्स, व्हाइट व्हाइट ऑर्किड्स। चपाती चाहिए? हाँ, एक और दे। इसे भेज दो। राहुल की माँ से मेरी आज बहुत देर तक बात है। बेटी, तुम्हारी फ्रेंड होगा। मैंने तो अब तक अपना ड्रेस भी डिसाइड नहीं किया, कल चलते हैं। बेटा साड़ी ले लो। बालन, हाँ? बालन, बालन, यू आर एन अमेजिंग गाय। जो भी टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो बहुत अच्छा था, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा है। बालन, जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी, she'll be lucky। नहीं डियर, ये सब मैंने बहुत सुना है। इसकी जुबान पर कुछ है और दिल में कुछ और, पर यहाँ मामला कुछ और है। दोस्ती से बढ़ के कुछ है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरे केयर करने का स्टाइल, फिर भी ये मुझे पसंद नहीं करती। मैं जिससे शादी करूंगा वो लकी होगी। फिर मेरी लकी गर्ल तुम क्यों नहीं बन जाती? क्या हो, तुम नहीं चाहती तुम्हारी लाइफ लकी हो? बालन, मैं राहुल को जुबान दे चुकी हूं। ये बालन बालन कह के मुझे मत बुलाओ। मुझ में आखिर कमी क्या है? दिमाग नहीं है? स्मार्ट नहीं हूं? अनपढ़ हूं क्या? बालन, मेरी लाइफ में सिर्फ स्टेबिलिटी की जरूरत है। राहुल के साथ मुझे वो मिल जाएगी, बट I believe in you। और बालन, तुम्हें भी वैसी लड़की मिल जाएगी जैसी तुम चाहते हो। was something about her. उसकी प्यारी सी स्माइल, that smile was magic. उस दिन का सारा दुख बस उसकी हंसी देखकर गायब हो गया. Just like that, she was gone. हर इंसान की जिंदगी में लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है और मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट वो था. कैमरा और एक एडवेंचर. मेरी जिंदगी का एडवेंचर यहाँ से शुरू होता है और हर बार की तरह मेरा बेस्ट फ्रेंड उमर साथ था. मेरे पीछे कौन था? AK-47 और एक ग्रेनेड और फिर मेरे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे पेड़ के पीछे वहाँ मेरा एनिमी सोल्जर था. मुझे ये पता था. मैंने उसे मारने के बाद उसका हथियार छीन लिया पर मैं उस खाई से निकल नहीं पा रहा था. उसके और मेरे बीच चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हुआ. वाह! बूम! उसकी मदद के लिए एक बड़ा सा टैंक मेरी तरफ बढ़ा. उसमें से 10 सोल्जर नीचे उतरे. मैंने बॉम्ब फेंका जिसमें से 4 लोग वहीं मर गए. मैंने खाई के अंदर से ही अपनी AK-47 चलाई और मैंने सारे दुश्मनों को ढेर कर दिया. लेकिन 2 दुश्मन बचे थे और मेरे पास 2 ही बुलेट थी. मैंने गोली चलाई और दोनों ढेर. क्या? जब मैंने पेड़ के पीछे देखा तो उसके पीछे कई सारे दुश्मन थे. गन फायर. नो. एंड आई वाज डेड. जिंदगी और मौत के बीच 1 सेकंड का अंतर होता है. यही गेम है. द बेस्ट वॉर गेम एवर. लेवल 14. यहाँ तक पहुँचने का तुम्हारा कोई चांस नहीं. ये उमर की लाइफस्टाइल थी. उसके लिए जिंदगी सोफा और टीवी के बीच खत्म हो जाती थी. मेरा मतलब वो एक वीडियो गेम रेंटल स्टोर चलाता था. उमर्स पैन यू पैड उसका सबसे बड़ा पैशन था कि वो पूरे दिन गेम खेले और सारी स्टेजेस पार करे. हमारा यू पैड खत्म हो गया या नहीं देखते हैं. तुम जानते हो केवल मैं ही तुम्हारा क्लाइंट हूँ. क्या 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 बकवास मत कर वरना मैं तुझे हरा दूंगा. चल निकल यहाँ से. भाई तुम्हें चीट कोड पता है? तुम जैसे लड़कों में बस यही एक प्रॉब्लम है. दिमाग तो है नहीं, मेहनत तो करते नहीं और जीतना चाहते हैं. सच्चा खिलाड़ी कभी चीटिंग नहीं करता. दोबारा यहाँ आके ऐसी बातें मत करना समझे. हाँ, फेसबुक का सेलिब्रिटी यहाँ दरवाजे के पीछे चुपचाप बैठा है. मैं इसका फोटो फेसबुक और ट्विटर पर अपलोड कर देता हूँ. छे यार, तुमने मेरी इमेज का भी ख्याल नहीं रखा. अब मैं अपने दोस्तों को कैसे मुंह दिखाऊंगा यार. अरे यार, जकबक को तो तुम्हारा अकाउंट बैन करना चाहिए. तुम्हारा दोस्त होने के कारण मुझे भी गालियों के मैसेज मिल रहे हैं. अरे ये पागल हो गया है क्या? उमर, हे भगवान, अब इसको क्या हो गया? आज मैंने उसे देखा यार. द वन. एक भाई, ये जो कैमरा है ना, इससे हम लोग कुछ फोटो खींचेंगे और उसे अपलोड कर देंगे. क्या बोलता है? ये इंसिडेंट आज शाम को ही हुआ. वो उसी टैक्सी में बैठी थी जिसे मैंने रोका. जब वो बैठ रही थी उसके हाथ से कैमरा छूट गया. वो गाड़ी तो कहीं चली गई पर मैं उसकी स्माइल देखकर घायल हो गया. द वन. फिर से इसमें क्या खास था? अभी तेरी ये इश्कबाजी यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। मुझे लगता है तू पागल हो गया है। उसके बाद कोई और आ जाएगी। तू यहाँ बैठ, मैं खाना लेके आता हूँ, समझा? तू याद करके देख, आज तक हमने कितनी लड़कियों को देखा होगा, क्या सब हमें अट्रैक्ट करती हैं? हम कितनों को नोटिस करते हैं? मैं जब खाना खाता हूँ तो कुछ नोटिस नहीं करता। तू मुझे खाने दे, समझा? जरा सोच, 100 लोगों की भीड़ में हमारी आंखें सिर्फ एक पर टिके तो सबके साथ होता है, और मेरे साथ भी हो गया। सही कहा ना? हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा तूने। पर लोगों के साथ ऐसा एक बार होता है। पता नहीं, पर इस बार ऐसा नहीं है। इट्स डिफरेंट। उसके चेहरे पर स्माइल, मुझे लगता है जल्दी वो स्माइल फिर से देखने वाला हूं। अपनी जिंदगी में ऐसा मुझे पहली बार फील हुआ है। तू बता उमर, कभी तुझे ऐसा फील हुआ है? क्यों नहीं, गेम डेवलप करने के बाद दुनिया मुझे सलाम करेगी। सारे गेम लवर्स मुझे याद रखेंगे। चारों तरफ लड़कियां और जेब में ढेर सारे डॉलर्स और फिर वर्ल्ड टूर। वाह, तुझसे बात करके कोई फायदा नहीं है। तुझे प्यार में भी गन्स दिखाई देती हैं, रोजेस नहीं। रोज? जा और सो जा। तू ये सब बातें भूल जा। यार, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। ये एक गेम की तरह ही होगा। ए, तूने अभी क्या कहा कि ये गेम की तरह है? हाँ? ये मुझे कैमरा के बैग से मिला। इसे नेगेटिव कहते हैं। बैग को ठीक से देखा नहीं था। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? ये गेम के जैसा है। ये रोल उस तक पहुंचने का कोई क्लू होगा। एक बात कहो, अगर हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो जीत जाएंगे। इस फिल्म को डेवलप करना चाहिए। नहीं, ये सब बड़ा चीप होगा यार। वो क्या सोचेगी? वो क्या तेरे चाचा की बेटी है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो भाड़ में जा। तू और तेरा कैमरा दिमाग खराब कर रखा है। उमर, क्या हुआ? हम इसकी फोटो भी तो बना सकते हैं। ये बड़ा चीप होगा। अरे वो क्या सोचेगी? वो क्या सोचेगी? मेरे चाचा की बेटी थोड़ी है। हमने आखिर में फिल्म रोल डेवलप करने का प्लान बनाया। उमर की भाषा में लेवल 1। तुझे पता है ये क्या है? कैमरा। दिस इज अ वर्क ऑफ आर्ट। ये 80s का SLR कैमरा है। आज की तरह उस वक्त हर कोई फोटोग्राफी नहीं करता था। इस पूरे फिल्म रोल में सिर्फ 12 फोटोज लिए गए हैं। एक बार फोटो लेने पर इसे डिलीट या रिप्लेस नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम और सेल्फीज के ज़माने में अगर उसके पास ऐसा कैमरा है, मतलब वो कुछ बताना चाहती है। इसमें हर एक फ़ोटो की अपनी एक कहानी है। हम उन कहानियों को क्यों नहीं ढूंढते? अरे ऐसा कुछ नहीं, आजकल तो पेन में भी कैमरा होता है। उन लोगों के तो हाथ जोड़ने चाहिए जो इतना बड़ा कैमरा यूज़ करते हैं। अच्छा ये बता, तूने कभी किसी दादी को देखा है? चल चलते हैं। सुन, हम घर जाकर चेक करते हैं। इस रोल में 12 फोटोज की जगह होती है, पर सिर्फ 7 फोटोज हैं। ये दोनों तो बेकार हो गई, एकदम से ब्लर हो गई है। बाकी 5 तो बढ़िया है। सुन, इसमें तो कोई अजीब बात नहीं है। वाह, हमें तो पहली फोटो में ही विलन मिल गया। तेरी वाली तो इसमें दिख रही है, मगर उसके पीछे एक विलन भी दिख रहा है, समझा? और समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है। इन जगहों की स्पेशलिटी क्या होती है? सो रैंडम। कोई टूरिस्ट प्लेस होता तो पता लगाना आसान होता। पहली बार जब तूने मुझसे बात की तो मुझे लगा कि तू टाइम पास कर रहा है, मगर तू तो सीरियस हो गया यार। इस फोटो और इन जगह में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। यू नो व्हाट आई मीन। सबसे पहले तो तुम्हें ये जगह ढूंढनी होगी। यार असल जिंदगी में भी गेम की तरह लिमिट्स होनी चाहिए। यस एडवेंचर भाई, दैट्स द वर्ड। हम अपनी बोरिंग लाइफ को मजेदार क्यों नहीं बनाते? ओके। क्या ये कोई भविष्यवाणी है जो किसी लेखक की किताब में होती है? ऑफ ऑल द जीन जॉइंट्स इन द टाउन, इन ऑल द वर्ल्ड, शी वॉक्स इनटू माइन। दुनिया के हर शहर में टैक्सी में बैठकर वो मीलों मीलों तक सफ़र करती है, और तुमने उसी टैक्सी को रोका। मैं समझ गया। व्हाट नेक्स्ट? इन फोटो की जगह ढूंढनी होगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मतलब? अबे तभी तुझे तेरा प्यार मिलेगा, आपस में दिल मिलेंगे, तुम सब कुछ भूलकर उसके साथ नाचोगे, गाओगे, मज़े करोगे। ये टाइम्स मैगजीन के बेंगलुरु ब्रांच की सब एडिटर है मैरी मरियम मैथ्यूज। मिड-30s की है, पाला शेखर की बेटी। इस ऑफिस में मेरी एक लौती वेलविशर। आ गए तुम, आओ ना बैठो। मॉर्निंग। तुम्हें इस तरह निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा टैलेंट सिर्फ इस ऑफिस तक सीमित नहीं है, तुम में बहुत कैपेबिलिटीज हैं। यूल बी फाइन, आई एम श्योर। पिछले कई सालों से मेरे मम्मी पापा भी यही बोलते आए हैं, ये लड़का अभी तक सेटल क्यों नहीं हुआ। तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं करते? आखिरकार वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, आपको बैठ के बोर कर दिया। एनीवेज, टेक केयर, आई विल रियली मिस यू अराउंड हियर। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो वो परमानेंट हो जाएगा ना, वो साला कमीना। उसे परमानेंट करने के लिए तुम्हें इस जॉब से नहीं फायर किया गया है, पर तुम्हें निकालने की खुशी में आज सुबह उसने मिठाई जरूर बांटी। बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ मिल लो। ये है मेरा एनिमी नंबर 2 रोमांच रामाकृष्णन। मुझे स्कूल और कॉलेज में इसने बहुत परेशान किया। हम दोनों ने ये कंपनी साथ ज्वाइन की थी। जॉब को 6 महीने हुए और ये साला मुझसे स्मार्ट बनने के फिराक में लग गया, सिर्फ यहाँ परमानेंट होने के लिए और अपनी थाक जमाने के लिए। अगर तुम्हें कोई काम नहीं मिला तो तुम वापस आ जाना, समझे? आओ। तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि इस कंपनी में किसे होना चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी किस्मत खराब निकली। वैसे ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी भगवान से भी गलतियां हो जाती हैं। आओ यार। वैसे भी इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा एक फायदा तो हुआ है ना, वो ये कि तुम्हारे 2 महीने वेस्ट नहीं हुए, है ना? अरे मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरे साथ आओ। तुम्हारा दुख बांटने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मेरी खुशी शेयर करने के लिए तुम मेरे साथ हो। वैसे भी अपनी बातें शेयर करने से दुनिया भर की परेशानियां कम हो जाती हैं। तुम ये पकड़ो, मेरी बातें अभी पूरी नहीं हुई, मुझे अभी बहुत कुछ कहना है, चलो मेरे साथ। अरे अब आ भी जाओ, और अब यहाँ पर तुम बैठ जाओ। बैठो यार, बैठ जाओ। अब हम दोनों आराम से बातें कर सकते हैं, हैं? तुम ये देखो, मैंने 6 महीने पहले इसे बनाया। हाय निकिता, गुड मॉर्निंग। शाम को कॉफी पीने चलोगी क्या? अरे बैठ ना यार, बस 1 मिनट, मैं तुम्हें खाली हाथ थोड़ी ना भेजूंगा। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। फ्री फूड वाउचर्स। बेंगलुरु जैसे इस महंगे शहर में बिना जॉब के भूखे प्यासे सिग्नल पर भीख मांगते मैं तुझे नहीं देख सकता, वो भी मैं अपनी एसी कार में बैठकर। इस एक वाउचर से तुझे 50 रुपए का खाना मिल जाएगा। खत्म हो जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं फिर दे दूंगा। ये ले। ये क्या है? तुमने कहा था ना कि ये गेम की तरह है, तो फिर हम इस गेम को ऐसे नहीं खेलेंगे, हम उसे फुल स्पिरिट के साथ खेलेंगे। तुम उन दोनों फोटोज के अलावा बाकी को भूल जाओ, क्योंकि यही दो फोटोज हैं जो हमें इस लड़की तक पहुंचाएंगे। ये जरूर किसी कॉलेज की लैब है और दूसरा सिनेमा थिएटर है, समझा? पर यहाँ तो बहुत सारे थिएटर्स हैं। क्या यार तू बेवकूफों की तरह बात करता है? जरा फोटो के पीछे देखना, पीछे ध्यान से देखो, राजकुमार के पुराने फिल्म का पोस्टर है। सही है यार, हमें ये देखना है कि राजकुमार की फिल्म किस थिएटर में लगी थी। थिएटर ढूंढ निकाला। आपने इसे देखा है? नहीं 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 नहीं। अबे चल, इसी शहर से हो क्या? हाँ, अब जानते हैं इसे। पहले मुझे फोटो देखने दो। ये फोटो मुझे दे सकते हो? क्यों? हाँ, अब यहाँ ऐसी लड़कियाँ नहीं आती, इसलिए सोच रहा हूँ फोटो ही रख लूँ मैं। अबे तेरी तो, दे वापस दे। तुम सारी बुढ़े एक जैसे ही होते हो। बुढ़े टीजी, ठीक है। पिछले 5 सालों की सारी मैगजीन्स हैं ये। थैंक्स थैंक्स मैन। अबे देखना, पर हमारे लक ने हमारा साथ नहीं दिया। सुन, कभी ऐसा ना हो कि हम उस कॉलेज में जाए और पुराने दिन याद आए। मैं उन दिनों को मिस नहीं करता। तुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे? मैं अपने माँ बाप को भूल सकता हूँ, मगर वो दिन नहीं भूल सकता। अबे अपनी मुंडी ऊपर कर। इधर आना। तेरा नाम क्या है? रोमांच। चल फिर हमें भी थोड़ा रोमांच दिखा। तू इस तरह रोमांच करता है? अच्छे से करना। चल जा, एक मिनट रुक, रोमांच करते हो जा। चल साइड में चल। तुम कौन हो? तुमसे ही बोल रहा हूँ। अरे अपना नाम बताना मोटे। उमर। अरे ये कैसा नाम है? सुन, अब मैं तुझे एक टास्क देने वाला हूँ, चल वहां से आ गया। आ गया ना? तेरा नाम क्या है? मैंने पूछा क्या नाम है तेरा? बीके। तू कोई साहित्यकार है क्या? चल अपना पूरा नाम बता। बालन के नायर। क्या? बालन के नायर। अबे ये तो किसी पुराने विलेन का नाम लगता है। लगता है तुझे पुरानी पिक्चरें देखने का बहुत शौक है। टच रोजा। क्या? लव। क्या? लव। भूल जा उमर, जब टाइम खराब होता है तो ये सब करना पड़ता है। लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने पुरानी हिंदी फिल्में नहीं देखी। मुझे तो अपने दादा को ब्लेम करना चाहिए। मेरे पैदा होने के 1 महीने बाद उनकी मौत हो गई। मेरी माँ शौक में थी तो मेरा नाम भी उनके नाम पर ही रख दिया और बाप का नाम और सरनेम भी घुसेड़ दिया, बालन के नायर। भाई तू क्रिकेट नहीं देख रहा है? इंडिया मैच हार रही है। कौन सा मैच? ये तू पूछ रहा है? अरे यार तू क्या कर रहा है? ये तो ओबामा लगता है। तूने ये बकवास फिर से शुरू कर दी। हाँ, ये सब पहले जैसा नहीं है। ये कॉमिक स्ट्रिप है, अ सेट ऑफ पॉलिटिकल कार्टून्स। इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ इंडियन पॉलिटिक्स भी दिखेगी। बराक ओबामा एक हीरो है। मेरे पास कोई और काम नहीं है ना। तू वीडियो गेम खेल और मैं डिज़ाइन करता हूँ। द ओनली डिफरेंस इज दिस इज क्रिएटिव। इससे क्या होगा? बड़ा इंटरनेशनल आर्टिस्ट। लोग लेवल 2 पार करके अटक जाते हैं, चाहे वो बराक ओबामा ही क्यों ना हो। यार हाँ, मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे। बेंगलुरु जैसे शहर में जहाँ लाखों लोग रहते हैं, हम बेवकूफ सिर्फ 2-3 फोटो लेकर उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। क्या श्योरिटी है कि वो इसी शहर में है? देख यार, गेम में ऐसा नहीं होता। हम गेम तभी हारते हैं जब हम क्लू का इस्तेमाल नहीं करते। जीतना है तो क्लू का इस्तेमाल करना होगा। अगर उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड हो, मे बी वो किसी की वाइफ हो सकता है वो किसी की बहन हो, ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अगर हम उसे ढूंढ भी लेंगे तो मैं उसे क्या कहूंगा? हे, मैंने तुम्हें बरसात की रात में देखा था। तुम उस टैक्सी में थी जिसे मैंने रोका था। उसी दिन मुझे तुम्हारा कैमरा मिला। मैंने कैमरा की सारी फोटोज बनवा ली है, जिससे मैं तुम्हें ट्रेस कर सकूं और आराम से ढूंढ सकूं। जब इतनी मेहनत तुम्हारे लिए की है तो क्यों ना हम एक हो जाएं? बहुत अच्छा। क्या बात है। तो इस तरह से बात करोगे तुम उससे? आज पता चला लड़कियां तुझे क्यों छोड़ती है। पहले तो हम उसे ढूंढेंगे और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या और कैसे करना है। जैसे मैं गेम खेलता हूँ वैसे तुम्हें भी गेम खेलना होगा, स्टेप बाय स्टेप। और इसी से हमारा काम बनेगा, चाहे वो कोई गेम हो या किसी लड़की को ढूंढना। ये सही कह रहा है। लड़कियों के मामले में उमर परफेक्ट है, क्योंकि पूरे बेंगलुरु शहर में यही एकलौता वर्जिन है। हमें इस टास्क को पूरा करने के लिए उमर की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कॉकरोच! सपना था, सॉरी। क्या हुआ, तेरे फूड वाउचर्स खत्म हो गए ना? मैं यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ। ओह, मेरे इस दुख की घड़ी में सिर्फ तू ही मेरी मदद कर सकता है। अगर फूड वाउचर्स मिल जाते तो मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ये देख, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की लिस्ट में मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस पूरे ऑफिस में जो भी मुझे वोट नहीं करेगा ना, उससे मैं किसी न किसी कारण में फंसा दूंगा। जो तूने मेरी मदद की ना, उसके लिए मैं थैंक्स बोलने आया हूँ। ये तो अपना उमर है ना, अभी तक जिंदा है ये। अबे ये कौन है? मैं सब बताऊंगा। तुझे फेल करने के लिए मेरे पास एक डेडली आइडिया है। तू मुझे फेल करेगा? ये एक नया फीचर है, श्योर शॉट हिट होगा। ये आइडिया एडिटर को जरूर इंप्रेस करेगा। आइडिया बता। हिडन बेंगलुरु, एक कॉन्टेस्ट जो हम सिटी सप्लीमेंट के तौर पर स्टार्ट करेंगे। बेंगलुरु की कुछ जगहों की फोटो पब्लिश करेंगे जो ज्यादा फेमस नहीं है। जो भी रीडर उन जगहों को पहचान लेगा वो हमारा विनर होगा। कैसा लगा? आखिर मेरी जगह पर तू बैठा है तो ये आइडिया भी तेरा होना चाहिए। क्या तू इसके फेस को ब्लर कर सकता है? तो मैं इन जगहों की डिटेल्स मेल करता हूँ। ये भी कोई इंटरेस्टिंग आइडिया है। ऐसे आइडिया मेरे पास बहुत हैं। तेरा आईक्यू लेवल बहुत लो है, तुझे ऐसे ही आइडियाज आएंगे। चल ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। मैंने ये सब एडिटर को भी बताया है, उसे काफी पसंद आया। तुझे उसे भी कन्विंस करना होगा। तू तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है यार। तो मैं चलूं? ऑल द बेस्ट। अब मजा आएगा गधा। ये तो पूरा बेवकूफ है। तुम यहाँ बैठकर उसके लिए ड्राइंग बना रहे हो और मैं किसी दिन ये ओबामा को भेज दूंगा। जब ये ओबामा देखेगा ना तो तुझे मारने का ऑर्डर देगा। ये लड़की कौन है? क्या कौन है ये? अरे तुझसे क्या मतलब कि वो कौन है। यहाँ गेम खेलने आता है, गेम खेल। ये कैफे तो पिंकी आंटी के घर के बगल वाला कैफे है। क्या कहा तूने? पिंकी आंटी? तू इसे जानता है? कहाँ रहती है ये? हमारे कॉलेज के पास में ही है। इसका ओनर बहुत खतरनाक है। भाई साहब, भाई साहब देखिए, ठीक से दिखा ना। तुम यहाँ चाय पीने के लिए आए हो? हाँ। जी। चाय पी ली? नहीं। जाओ जाओ, फोटो लेके आया है, चलो निकलो। कैसा आदमी है ये? चलना। छी, इससे अच्छा तो हम लोग अगर वो यहीं रहती है तो उसने नोटिस जरूर पढ़ा होगा। क्यों ना इस फोटो को अपनी डिटेल्स के साथ यहाँ लगा देते हैं। अगर वो नहीं देखेगी तो कोई ना कोई तो देख लेगा ना। क्या बात है भाई। कभी कभी तो समझदारी की बातें कर लेता है, सच में, है ना? सच कह रहा हूँ, मेरे साथ रह के कुछ तो सीखा। चल भाई। Hello? Hello. Is this Mr. Nayar? Yes. Are you busy? Who's this? I believe you have something of mine. Hold on. Umar! Mr. Nayar, आपको हिंदी आती है? हम हिंदी में बात कर सकते हैं। अरे ये भी अपने यहाँ की है। हाँ हाँ, बताइए ना। आप मेरा बैग रिटर्न कर देंगे ना? ओह चलो, एटलीस्ट तुम मिल ही गई। तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, है ना? थैंक यू भैया, आपने उसे इतना संभाल कर रखा। अगर वो किसी गलत हाथ में गया होता तो आपको कभी नहीं मिलता। सही कहा। प्लीज मुझे भैया कहकर मत बुलाइए। ओह यू आर सो स्वीट। चलो कोई नहीं, हम मिलते हैं। पर कंफर्मेशन के लिए आप बता सकती हैं बैग में क्या है? श्योर, एक लिपस्टिक, एक नेल पॉलिश और एक केयरफ्री का पैकेट। ये लड़की कौन है तू? लड़की नहीं, लड़का। अबे तेरी तो फोन रख। पता नहीं वो था या थी, पर अभी से वो हमारे लिए एक साइको था। उसने मुझे जिस तरह पागल बनाया, उससे तो यही लगता था कि वो साला रोमांच का भी बाप होगा। हेलो भैया, आप मेरा बैग मुझे वापस कर देंगे ना? यार इसने दिमाग खराब कर रखा है। उसने फोन किया था क्या? उसने इस नंबर से फोन किया, नोट कर। 8908911111। हाथ लगा तो कच्चा चबा जाऊंगा। मैं भी चबाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। अगर ये उम्र बूढ़ा भी हो जाएगा ना, फिर भी इसका गेम खेलना बंद नहीं होगा, इसलिए मैं अपने गेम पर फुल स्टॉप लगाने जा रहा हूँ। हेलो, हाय मिसेस चोपड़ा। आई टेल हिम सॉरी। अबे बंद करना, तेरी उछल कूद की वजह से मिसेस चोपड़ा के घर में भूकंप आ रहा है। और तो जीत के रहूंगा। उमर रुक। अभी नहीं, रुक जा। इसे देख। हाँ देख ना। अरे ये तो पूरी ब्लर है यार। ध्यान से देख। हे मैन, ये तो तू है। हाँ। इसका मतलब वो तुम्हें जानती है। हो सकता है वो हमारे साथ गेम खेल रही हो। वो तुझे छुप छुप के देखती होगी शायद। भाई मुझे लगता है ये उसका प्लान होगा। ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है। शायद मैं रैंडमली इस फोटो में आ गया हूं, ये भी हो सकता है ना। पर सही टाइम पर और सही जगह कैसे हो सकता है? तेरी थियरी भी सही हो सकती है। आई डोंट नो। कुछ भी हो, जवाब तो ढूंढना होगा। लेकिन जब वो मिलेगी तभी इसका जवाब भी मिलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस हफ्ते हमें उस लड़की तक पहुंचना ही होगा। हम उस फोटो के हर क्लू को जानने की कोशिश करेंगे। फोटो ये ले। जाके देख कौन है। सपने में ही डूबा रहता है। सपना था क्या? मैं फोन पर सोया है। हेलो, आई वॉन्ट यू इन द ऑफिस इमीडिएटली। गुड मॉर्निंग मैम। What's up? तुम्हारे रोमांच को सस्पेंड कर दिया। What? How? When? Hidden Bangalore नाम से उसने एक फ्लॉप फीचर एडिटर को कन्विंस करके पेपर में पब्लिश कर दिया। पता नहीं अब ये उसने फ्रस्ट्रेशन में किया या क्या। 2 दिन पहले ऑफिस में एक पार्टी हुई थी। 2 पैग पीने के बाद ही स्पोर्ट्स कॉलम वाली निकिता के साथ उसने बदतमीजी की और निकिता ने उसकी कंप्लेंट भी कर दी। आज सुबह ही हेड ऑफिस से उसका सस्पेंशन लेटर आया है। कुछ भी हो, पर तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे एडिटर का मुंबई ट्रांसफर हो गया है। नए एडिटर के आने तक मैं ही स्टैंड बाय एडिटर हूँ। मैं तुम्हें रीअपॉइंट कर रही हूँ। तुम अपनी फीचर राइटर की पोस्ट रिज्यूम कर लो। यू आर अ स्टार। तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं? थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, पर जब कोई नया बेटा ज्वाइन करेगा तो तुम उससे झगड़ना मत। वो भी कहाँ है? बाहर है, अपना डेस्क क्लियर कर रहा है। उस लड़की का नाम क्या पता है? निकिता। मैं उसे ये देखकर आता हूँ। Thank you. मुझसे बिना मिले जाएगा? तेरे पास कोई जॉब नहीं है ना? आजा, आना। कोई बात नहीं यार। सर, आपको लड़की ने चाटा मारा, आपको कैसा लगा? वो बॉक्सर है, मैं क्या करता। तेरी पुरानी कैबिन अब मेरी नई कैबिन होगी। जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये नेम प्लेट। तेरे बारे में सुनकर दुख हुआ, तुझे चाटा मारकर निकाल दिया। ऐसे में दूसरा प्लेसमेंट मिलना भी मुश्किल है भाई। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तू तो रोमांच है यार, मास्टर ऑफ ऑल आर्ट। जब तू घर बैठेगा ना तो एप्पल या फेसबुक जैसी कंपनी बनाना। किसी ने सच कहा है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। हाँ, सही कहा। करेक्ट। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना, मुझे फोन कर। अगले हफ्ते से मैं कंपनी की एसी गाड़ी में ऑफिस आऊंगा, फिर तुझे सिग्नल पर भीख मांगते हुए नहीं देख पाऊंगा यार। इसीलिए तेरे लिए कुछ लाया हूँ, फूड वाउचर्स। नहीं यार। हे यू। हाय। बैक टू रूटीन। हाँ, एक्चुअली मैं उसे मिस कर रहा हूँ। अब मैं कंपटीशन किसे दूंगा? एनीवे, आई हैव अ जॉब फॉर यू। या? आज शाम होटल लीला में हमारा प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट है। Okay. तुम्हें वो कवर करना है। मैंने तुम्हें 2 एंट्री पासेस ईमेल कर दिए हैं। Sure. Ladies and gentlemen, Powerade, a truly global brand available across all the continents in over 150 countries. ये सब क्या है यार? Gives me immense pleasure that we are launching our South Indian operations here in Bangalore. Thank you. Hello? Hello? One sec. या who's this? Hey, चोर गई के, मेरा सामान कहाँ है? चल भाग यहाँ से। दम है तो अपना एड्रेस दे। किस लिए? तुम उसे कुरियर करोगे? मुझ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। क्या हुआ? अंदर चल। What? अरे what छोड़, चल अंदर। देख। ये वही है ना जो उस फोटो में था? सेम वही है। उस फोटो में हम केवल लड़की देख रहे थे और उस चक्कर में हम तो इसे भूल ही गए थे ना। हो सकता है वो भी यही कहीं हो। हाँ? सच। यहाँ नहीं है, पर उसे ढूंढने के लिए ये लड़का लाइफलाइन हो सकता है। मेरे भाई, अगर तूने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। पर मैं उससे बात कैसे करूं? कहीं वो मिसअंडरस्टैंड ना करे। इन सब बातों को तुझे हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मुझे कुछ करना होगा। मैं जाके देखता हूँ। ये तो बाएं हाथ का खेल है। अभी सब बिगाड़ मत देना। जैसे सोचा था वैसे नहीं है, वो बहुत डिसेंट है यार। वो उस लड़की को जानता है और हमारी मदद भी करेगा। तुम्हें यकीन नहीं है? उसने कहा प्रोग्राम के बाद हम पार्किंग में मिलते हैं। अब तो मुझे मान गए ना? अब तक क्यों नहीं आया? ऐसा तो मूवीज में देखा था, जहां पर पार्किंग लॉट में गुंडे आते हैं। कहीं हम पर अटैक तो नहीं करेंगे? बकवास बनकर। Hey, hi, Rahul. You must be Balan. Yeah, nice to meet you, Rahul. Same here. Oh, is that 118? Yeah. May I? Sure. Thanks. Nice car. Come, I'll show you around. This is Audi R8, 4.2 liter V8 engine, 0 to 100 in 4.5 seconds, 4-wheel drive, 430 bhp. Come here. American leather interior, one of the world's fastest supercar. इसकी प्राइस है 1 करोड़ 80 lakhs. That's you, and this is me. हमारी गाड़ियों की चॉइस से हमारी औकात का पता चल जाता है। हर एक खूबसूरत लड़की एक आलीशान जिंदगी चाहती है, और तेरे जैसे लूजर्स यहां पर बहुत सारे हैं। You have got one thing wrong. She is my girl. उस फोटो में जो लड़की है वो मेरी है। उसे फॉलो करने की कोशिश भी मत करना, वरना बर्बाद हो जाएगा तू। अब इस खटारा डब्बे से तू मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। हीरो जहां भी हो, कैसा भी हो, सब में एक कॉमन हैबिट होती है, उसे एंड में सब कुछ मिलता है। ये अपनी 430 bhp अमेरिकन लेदर अपने पास ही रख, पर उसे नहीं। क्लाइमैक्स में वो मेरी होगी। गुड लक। जिस तरह से उसने बात की और अपनी गाड़ी की तारीफ की, उसे तो मुझे यही लगता है कि हमें ये गेम बंद कर देना चाहिए। वो सब मैं नहीं जानता, पर मेरा डायलॉग सुनकर वो धक्का तो खाया होगा। कुछ भी हो, एक चीज़ तो क्लियर है, गेम ओवर। क्या ये इतना काफ़ी नहीं है? उसने तुम्हारी कार का मजाक उड़ाया। छोड़ना, उसकी बात को इग्नोर कर। इग्नोर करने से क्या होगा? तू उसे ढूंढता फिर रहा है और आज तक वो तुझे नहीं मिली। तुझे लगता है कि वो इस गाड़ी में कभी बैठेगी? क्या हुआ? अरे देखा, उसकी बात सही थी। चल चेक करते हैं। देखना कौन है, अगर वही साइको हुआ तो सुना दे उसे। हेलो कमीने, आई मीन यार उमर, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया यार। अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? लगता है यार मैं अब बच नहीं पाऊंगा। जल्दी आ जाए यार। ओके। कौन था? रोमांचक का वो एक्सीडेंट हो गया। वो अभी सकारा हॉस्पिटल में है। लगता है बहुत सीरियस है। उसने जल्दी बुलाया है। उसे मरने से पहले बोल देना चाहिए था तू जीत गया और मैं हार गया। छी, कैसी बातें कर रहा है यार। मजाक कर रहा हूँ। वाह, चल बैठ, देखते हैं कितना सच है। यहाँ होगा, चल। छोटी मोटी चोटें क्या लगी, तुझे लगा कि तू मरने वाला है? अबे मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तू बस राई का पहाड़ बनाता है। तेरे जैसा फट्टू आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे किसी साइकिल ने ठोका क्या? नो, इट वाज कार। उसी कार से मैं यहाँ पर आया हूँ। लगता है मेरे पूरे शरीर में कुछ अजीब हो रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। लगता है एक्सीडेंट के बाद तेरा दिमाग सही हो गया। वैसे वो लड़की कहाँ है जिसने तुझे ठोका? अच्छा, वो लड़की बाहर कॉरिडोर में घूम रही है। तेरी कुंडली के हिसाब से तुझे लड़कियों से खतरा है। कोई नहीं, मैं उससे मिलकर आता हूँ। बता देता हूँ तेरे पहचान वाले भी हैं यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर यार। अच्छा, यहाँ लगा यार, सच कह रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ यार, सब सही हो गया। इस तरह से वो फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ गई, उसी तरह जैसे पहले मिली थी, अनअनाउंस्ड, अनएक्सपेक्टेड। हाय, टेंशन मत लो, उसे कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली उसे इस कंडीशन में यहाँ लाने के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ। एक्सक्यूज मी? नहीं, मतलब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा ना। लिसन, दिस इज माई नंबर। तुम चाहो तो घर जा सकती हो, मैं यहाँ रुकता हूँ। आई कैन टेक योर नंबर, अगर कुछ हुआ तो कॉल कर दूंगा। थैंक यू, मैं कॉल करूंगी। मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों पहले भी कहीं मिल चुके हैं, है ना? यूजुअली लड़के ही इस तरह की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं मजाक कर रही थी। गो ऑन, तुम मुझसे कुछ कह रहे थे ना? जो तुमने कहा मैं वही कह रहा था। अब कहीं तो मिल चुके हैं ना? हम दोनों लास्ट मंथ मिले थे जब बहुत बारिश हो रही थी। तुमने मुझे टैक्सी ऑफर की थी। आई रिमेम्बर यू। ऑफ कोर्स, यस, गुड मेमोरी, दैट वाज यू। लेकिन नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। बालन, मैं तुम्हें जानती हूँ। ये बहुत पुरानी यादें हैं। पुरानी यादें इसलिए क्योंकि समर ऑफ 99, दुबई इंटरनेशनल स्कूल। उस वक्त हम अपने एनुअल एग्जामिनेशन की फाइनल प्रेपरेशन कर रहे थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक यही पौधा था। साइंस एग्जीबिशन के लिए मैंने उस पौधे को 3 महीने से सींचा था। आई वॉज इट्स मदर। पर उस स्कूल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट था जिसे एग्जाम की कोई टेंशन नहीं थी। क्या तुम लोग स्कूल आकर पढ़ाई करते रहते हो? है? वेज सैंडविच ऐसे बनाते हैं क्या? मम्मी को बोलो कल से चिकन सैंडविच बना कर दे। अगर कल चिकन सैंडविच नहीं लाई ना तो अब फिर देख लेना। हाँ। पकड़ो इसे। हाँ। कुछ भी ले आती टिफिन में। ए? तू ग्राउंड में खेलने और दौड़ने आता है? चल जा। ए, तेरा लंच बॉक्स कहाँ है? मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं घर जाके लंच करूंगी। है? क्या कहा तूने? मेरी माँ कहती है तुम जैसे लूजर्स दूसरों का लंच खा जाते हैं। क्या कहा तूने मुझे? हाँ? बालन, गो टू योर क्लास। बाद में मिलते हैं। हाँ? Prince, Vicky witch turned me into a duck because of a bad witch. I have to find who will help. I will have to. And Balan, you need to learn your lines. Friday is the final rehearsal. If you don't get it right, I'll replace you. Find and Vicky witch turned me into a. डायलॉग कैसे याद करते हैं मैं इसकी ट्रिक तुम्हें सिखा सकती हूँ। कौन सा ट्रिक? जब अपना ड्रामा चल रहा होगा मैं तुम्हारे आगे खड़ी रहूंगी और तुम मेरे पीछे खड़े रहना। हाँ तो? मैं तो ट्री बनी हूँ ना, मैं अपने पीछे ये पेपर चिपका दूंगी और तुम इसे पढ़कर डायलॉग बोल देना। मस्त आइडिया है। अच्छा बालन, गुड लक बालन। Thank you. I am a prince. Vicky Witch turned me into a duck. Now, I have to find my beautiful princess who will get me back into my normal life. In my kingdom, nobody has to face fear, and I will have to. Balan, you are just a loser. हाँ? अब तो मुझे पहचान गए? तुमने पहचाना कैसे? मैंने हाल ही में टाइम्स का रेस्टोरेंट रिव्यू पढ़ा था, वहीं पर तुम्हारा नाम देखा। बालन के नायर नाम के सिर्फ 2 आदमियों को जानती हूँ, बस एक क्यूरियोसिटी थी। टाइम्स की वेबसाइट पर तुम्हारे प्रोफाइल में जब दुबई इंटरनेशनल स्कूल देखा तब मैं श्योर हो गई। फोटो भी देखी। एक्चुअली उस रात मिलने से पहले मैंने तुम्हें एक बार साउथ बेंगलुरु के एक मॉल में भी देखा था, पर उस समय तुमसे बात करना ठीक नहीं लगा। Are you okay? Will you excuse me? Just 1 second. You are a loser. जब उस दिन मुझे कॉल आया तो मैं समझ नहीं पाया कि भगवान मुझे क्या इशारा दे रहा है। And it was all because of her. क्या हुआ? आखिर उसने क्या कहा? अबे भगवान मेरा दांत, भगवान। ये चाटा तेरे ऊपर उधार था, वो लड़की ही थी। बस पहुंच ही रही हूँ माँ, हाफ एन आवर। ओके, घर से था, माम के साथ मुझे शॉपिंग पर जाना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। हाँ, थैंक्स बालन जो यहाँ से जाने का ऑफर दिया। आई हैव योर नंबर यार, कल फिर आऊँगी। मुझे और भी कुछ काम है, तुम्ही ने इसे यहाँ लाया ना, तो तुम ही देखो। What's your name, ma'am? Sheila, 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 बालन के नार एंड शीला। ऐसा लग रहा है कि शेर और शेरनी में प्यार हो गया है भाई। क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है यार, शीला। शीला। हेलो हेलो, फिर आवाज बदलकर फोन कर रहा है। क्या हुआ बालन, मैं शीला हूँ, तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया। तुम चंदू को नहीं मार सकते हो। चंदू तो वैसे ही मर चुका है, उसने सोने और पैसे के लिए अपनी जान दे दी। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी का। वाह, जो पैसे के लालच में पड़ता है, वाह उसकी क्या बात है भाई, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। यकीन है कि वो लौटेगा। अबे उस लड़की ने तुझे हरा दिया तो उसमें मेरी क्या गलती? बेवकूफ कहीं का, किसका गुस्सा किस पे उतारता है समझ में नहीं आता। चलो गेम खेलते हैं। हाँ? तुम उमर हो ना? तुम्हें पता है? Of course, तुम इतने फेमस जो हो। I'm Sheila। और मैं हाय। यहाँ क्यों आई? तुमने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने सोचा यहाँ आकर डायरेक्टली तुमसे मिल लूँ। बालन, तुम अब तक उस बात से नाराज हो ना, वो सब हमारा बचपना था और कुछ भी नहीं। छोड़ो ना, गुस्सा थूक दो प्लीज। बात वो नहीं है, वो क्या है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। Really? How exciting! We should totally go. कल उसकी शादी में हम जरूर जाएंगे। बालन, तुम वहाँ जाए बगैर कैसे हार मान सकते हो? मैं और उमर भी तुम्हारी कंपनी के लिए साथ चलेंगे, है ना उमर? हाँ, क्यों नहीं। पर एक प्रॉब्लम है, वहाँ तो ये सेलिब्रिटी है, पब्लिकली फेसबुक पे इसे सब जानते हैं। तब तो और मजा आएगा। पर मैं जिस बालन को जानती हूँ वो तो बहुत टफ था। ये सब तुम्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में जाना हर लड़के की बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए। हाँ, हाँ। अगर वो गोली चलाएगी तो हम बॉम्ब फेंकेंगे। What? Anyway, we should totally go. It'll be fun. तुम्हें क्या लगता है मैं यार देवदास बन के बैठा हूँ? I have moved on. मेरा प्लान अपना रंग जरूर दिखाएगा। ये इसलिए नहीं कि तुम यहाँ आई हो, मैं इस बार खुद को फेल नहीं होने दूंगा। उसे भी दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। अब बीके है ना, वही फेसबुक वाले अंकल, एक सेल्फी ले ले। व्हाट्स अप लूजर। जब मैंने कहा था कि रोमांच मेरा एनिमी नंबर 2 है, तब सोचना चाहिए था एनिमी नंबर 1 कौन है। मीट मिस्टर रॉकी के नायर, स्कूल का हेड बॉय, फुटबॉल टीम का कैप्टन, आर्थ्रॉप मॉडल स्टूडेंट, हार्वर्ड की मेडिकल डिग्री, एक सुंदर सी फ्रेंच गर्लफ्रेंड और अभी अपने पेरेंट्स के हॉस्पिटल में सीईओ और चीफ सर्जन है। कैसे हो मेरे छोटे भाई? सोच रहे हो मैं यहाँ कैसे? उसे देखा? मिथुन मेरा क्लोज फ्रेंड है, चार्मिंग गाय। कुछ सालों से हम बॉस्टन में साथ थे। इट्स क्वाइट द कैच, तुमसे कहीं बढ़कर है। लड़की इंटेलिजेंट है। So tell me something bro, how does it feel to get dumped? मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आज तक किसी लड़की ने छोड़ा नहीं है ना। अरे कम क्या बेबी, रॉकी छोड़ मुझे। कितने सालों से तुझे नीचा दिखाता आया हूँ, अभी तो गिनती भी याद नहीं। कोई नहीं, वैसे भी तुझे घर में कोई मिस नहीं करता, तू हमेशा सेकंड बेस्ट ही रहेगा। अगर तू चाहे तो घर आके उनसे मिल सकता है। हाय, तेरा दोस्त है, तेरा लूजर ही लग रहा है। तुझसे दोस्ती और करेगा भी कौन, जैसा तू है वैसे तेरे फ्रेंड्स। ओ लल्ला, who's this chick? वैसे मस्त है। मेरी गर्लफ्रेंड है। तेरी गर्लफ्रेंड? लगता है दिमाग खराब है। रुक मैं बात करता हूँ। हाय स्वीटहार्ट। वो इडियट बोल रहा है तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, सच है? Why are you with that loser? मैं उसका बेटर वर्जन हूँ, हिज वेरी ओन सक्सेसफुल ब्रदर। उसे छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। आई शो यू अ मच बेटर टाइम। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा भाई ऐसा है। बट आई डोंट ब्लेम यू, अगर मेरा भाई ऐसा होता तो मैं भी नहीं बताती। Ouch, that hurt. Come on, darling, चलकर न्यूलीवेड कपल से मिलते हैं। मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। Well done, little bro. She's a keeper. तुम रॉकी के भाई हो? हाँ तो? आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं बालन का बेस्ट फ्रेंड हूँ, उमर। चल अब निकल यहाँ से। पकड़ गई क्या? दिमाग नहीं है इसका। बचपन से सुनता आया हूँ अपने बड़े भाई से कुछ सीखो, पर मुझे अब तक समझ में नहीं आया उसके अंदर है क्या। खुद को बहुत होशियार समझता है, लड़की नहीं होती ना तो दिखाता। शीला के सामने वो पागल हमारी बेइज्जती करना चाहता था, लेकिन शीला ने अच्छा सबक सिखाया उसे। शी इज नॉट बैड। क्यों? हाँ मुझे पता है, पर वो हमारी द वन है। पर तुम्हारे जैसा बेवकूफ मैंने लाइफ में नहीं देखा। इतनी छोटी सी बात से तुम उसे नापसंद करते हो। शी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी यार, बालन के नायर वेट शीला। इस सब का जिम्मेदार तू है। अच्छा, तुमने उस लड़की को ढूंढने में कितनी मेहनत की है और आज वो लड़की तुम्हारे सामने है। भगवान भी अजब खेल खेलता है ना। यार हम उसे मजाक में ढूंढ रहे थे और वो सच में मिल गई। मजाक हो या कुछ भी हो, वो तुम्हें मिली है। मेरी बात सुनो, उसे फोन करके बुला लो। आर्ट गैलरी? तूने उसे मिलने के लिए यहां बुलाया? नहीं, इधर। वहां जाके मैं क्या करूंगा? चलना, तब तक पेंटिंग्स देखते हैं। पर उसमें ऐसा देखने लायक क्या है? तू ही अबे चलना। मैं नहीं आऊंगा। हाय। हाय, तुम्हारा भाई चला गया? कैसे पता चला? He was an interesting guy. Yeah. So, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? वो अभी भी दुबई में ही है। टिपिकल डॉक्टर फैमिली, मम्मी पापा और भाई सब हॉस्पिटल में रहते हैं। बालन, तुम्हें सब में इंटरेस्ट नहीं है? बड़ा भाई सबका चाहता है, ही इज अ गुड सन। मैं किसी भी चीज में आगे नहीं हूँ, मेडिसिन में भी इंटरेस्ट नहीं है, एवरेज स्टूडेंट। ये सब छोड़ो, तुम दुबई से कब वापस आई? मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ सेटल हो गई, पर बैंगलोर से कई लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं, पता है? मेरे पेरेंट्स भी पहली बार यहीं मिले थे, यहीं उन्हें प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। तुमने बाकी पढ़ाई कहाँ की? शिमला के स्कूल और कॉलेज में। सो वेकेशन में यहाँ आती हूँ, इसलिए मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, बट आई लव दिस सिटी। बाय द वे, व्हाई डिड यू डू जर्नलिज्म? लेट मी शो यू समथिंग। कम। द कॉमन मैन, आर.के. लक्ष्मण का कॉमिक कैरेक्टर 1950 से यहाँ है और ओवर हाफ अ सेंचुरी। ये बचपन से मेरे हीरो थे, टोटल जीनियस। मैंने टाइम्स सिर्फ कार्टूनिस्ट बनने के लिए ज्वाइन किया था। मैंने अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बताया। They remember you. Really? उस भुलक्कड़ डक को कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें घर लेकर आऊं। Anyway, मुझे अब चलना चाहिए। It was really nice meeting you. Okay. Bye. Bye. शीला, परसों का क्या प्लान है? न्यू ईयर्स ईव है। मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, बस कुछ फ्रेंड्स के साथ छोटी सी न्यू ईयर पार्टी। एंड यस, यू नो, और 12 बजे तक हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। पार्टी के बाद डिनर पर चलें? माय प्लेस। डिनर के बाद तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नेवर माइंड, आई विल सी यू सून। नो नो नो, मैं आऊंगी, आई विल सी यू देयर। ओके, बाय। हाय हाय, तो क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? नहीं, थैंक्स। बस 5 मिनट, मैं सब अरेंज करता हूँ। या श्योर। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। या। कि क्या मैं देख सकती हूँ? उमर के फादर का घर है, उन्होंने किसी फ्रेंच लेडी से खरीदा था। इट्स ऑफिशियली ऑन सेल, पर हम यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते। और उमर कहाँ है? उमर, वो मेरी तरह नहीं है, वेरी बिजी। चलो चलते हैं। चीयर्स। तो ये सब कुछ तुमने बनाया है बालन? यप। सो ये सब किस लिए है, इतना एफर्ट और ये डिनर? बस सॉरी कहने के लिए, मैं तुमसे बहुत रूड था ना। ओके, अपॉलजी एक्सेप्टेड। तुम कह रही थी तुमने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मुझे नहीं पता बालन, आई लव दिस सिटी, सो बेंगलुरु को ही मैंने चुन लिया। सो शादी, बॉयफ्रेंड? तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो क्या? हाँ। वेल, शादी के बारे में अब तक सोचा नहीं है मैंने, बट बॉयफ्रेंड, हिज नेम इज राहुल, मेरे क्लाइंट का बेटा है। मुझे समझ नहीं आता कि उसे बॉयफ्रेंड कहूँ या कुछ और। हमने एक साथ बहुत समय बिताया है। जब मैं शिमला में थी तब राहुल भी वहीं था, और जब मैं वहाँ से यहाँ आई तो राहुल लंदन चला गया फॉर हिज MBA। एक्चुअली पिछले महीने वेकेशन में ही आया था। राहुल, नाइस नेम, पर आदमी कैसा है? राहुल इज जस्ट परफेक्ट गाय, यू नो, बहुत हैंडसम है, रिच फैमिली से है। राहुल के पापा यहाँ के बहुत बड़े बिल्डर हैं। ऑल इन ऑल वो आइडल हस्बैंड मटेरियल है। सो यू आर इन लव? जर्नलिस्ट वाला दिमाग है। अभी और कितने क्वेश्चंस बाकी हैं? मैं एक टिपिकल लड़की जैसी नहीं हूँ बालन, मैं रोमांस और लव में विश्वास करती हूँ। कॉलेज में मैंने बहुत सारी लव स्टोरीज वगैरह देखी हैं, पर एंड में स्टोरीज ट्रेजेडी बन जाती हैं। सब इतना आसान नहीं होता। मुझे लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आई डोंट अग्री विद यू। हर लड़की के दिल में कहीं ना कहीं तो रोमांस होता है। आज प्यार बहुत प्रैक्टिकल हो गया है। अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो हस्बैंड चूज करने में प्रॉब्लम होती है। एजुकेशन, फैमिली, बैंक बैलेंस, प्रॉस्पेक्ट्स सोचने पर मजबूर करता है। सी, हमारे जनरेशन में हमारे पेरेंट्स हमें फुल फ्रीडम देते हैं और मेरे केस में मैं अपना लाइफ पार्टनर चुन सकती हूँ। सो इस तरह की फ्रीडम मिलने के बाद नेचुरली हम बचपन से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ये सच्चा प्यार व्यार हमारे पेरेंट्स के जमाने में होता था। So you don't believe in love? मैंने प्यार जैसी कोई भी चीज एक्सपीरियंस नहीं की है बालन। If it happens, I'll start believing in it. Thank you so much, Balan. This was really lovely. अब मैं चलती हूँ। शीला, जाने से पहले एक फोटो ले सकते हैं? Yeah, sure. Just 1 minute. उस रात ये तुमसे छूट गया था, तब से हर दिन मेरे पास है। पहले ही देना चाहिए था। आई एम सॉरी। जाने क्यों देने का मन नहीं किया। मे बी दिस इज द राइट टाइम। इस कैमरा की इंपॉर्टेंस तुम नहीं जानते बालन। थैंक यू। मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुमने ऐसा कैमरा क्यों रखा? What's the story? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। I'm late. Okay. Bye. Bye. In fact, बालन तुम्हें हमें join करना चाहिए। I thought you would never ask. I'll drive. उमर कहाँ है? मैंने उसे मैसेज तो किया था, अब कॉल करता हूँ। कहाँ है तू? हम पहुँच गए। तुम पहुँच गए? मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, तू वहीं रुकना। ओके। Sheila, are you okay? पॉइजन है। आह, वेरी गुड। न्यू ईयर पार्टी है भैया, बाहर का खाना थोड़ा संभल कर खाना चाहिए। नहीं डॉक्टर, ये बाहर के खाने का कमाल नहीं, ये अंदर के खाने का जलवा है। ये खाना इसी ने बनाया है। तुम बाहर जाकर ये दवा लेकर आ जाओ। टेक अ रेस्ट। शीला, आई एम सॉरी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मुंबई से आया है। जेपी वर्मा, यंग एंड डायनामिक। बहुत से लोगों को लगता है ये टाइम्स का फ्यूचर है। मैंने फैसला कर लिया इसे कैसे इंप्रेस करूं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम बालन। हाय, सिट। ग्रेट टू हैव यू हियर सर। आपके साथ काम करने में मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। हाउ कैन आई हेल्प यू बालन? सर, मैं इस आइडिया पर काम कर रहा हूँ। इट्स अ कॉमिक स्ट्रिप, सेट ऑफ पॉलिटिकल कार्टून्स। आई वॉज होपिंग यू टेक अ लुक जब भी आप फ्री हो सर। कार्टून्स? कॉमिक स्ट्रिप सर। बालन, आई डोंट हैव टाइम, लॉट ऑफ डेडलाइंस, यू नो राइट। मेरे पास तुम्हारी हॉबी के लिए बिल्कुल समय नहीं है, और अगर समय होगा भी तो मैं किसी काम की चीज में लगाऊंगा। तुम्हें लगता है ये कोई पढ़ेगा? कार्टून्स डजंट सेल, न्यूज़ सेल्स। एंड बालन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? फीचर राइटर सर। I think you should focus on that, if you don't mind. Can I? Sure, sir. Sorry. ये मेरे पेरेंट्स का पहला घर है। इससे पहले ये रेंट पर था, उसके बाद पापा ने खरीद लिया। पहले ये बहुत छोटा सा था, बाद में हमने इसे बड़ा कर दिया। मेरे पापा और मम्मी के लिए ये घर बहुत यादगार है। यही उनके पुराने और हसीन पल बीते थे। अब्रॉड में बिजनेस खत्म होने के बाद वो दोनों यहीं आने वाले थे। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। ये सब फोटोज मेरे पापा ने ली थी। Really? हाँ। बालन, उस दिन तुमने मुझसे उस कैमरे के बारे में पूछा था ना। This is the story. और मेरे पापा ने अपनी सेविंग से ये पहला कैमरा खरीदा था। उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। ये कैमरा मेरे पापा का प्राइस पोजीशन था। ये उन्होंने अपनी 25th एनिवर्सरी पर खरीदा था। अपनी बहुत सी यादें कैद की थी उन्होंने इसमें, अपनी लव स्टोरी की। उनके लिए ये कैमरा बहुत इम्पोर्टेंट था। ये सारी पिक्चर्स इसी कैमरे से ली गई हैं। वो पहली बार केमिस्ट्री लैब में मिले थे। ये वो रेस्टोरेंट है जहां वो कॉलेज के बाद टाइम बिताते थे। इस मूवी थिएटर में वो ज्यादातर हिंदी मूवीज देखने जाते थे, और इसी पार्क में मेरे पापा ने मम्मी को पहली बार प्रपोज किया। ये 5 फोटोज उनका गिफ्ट है। 5 फोटोज? एक फोटो लेनी बाकी है अभी। ये तब की है जब कैमरा खो गया था। ये कौन सी जगह है? ये जगह नहीं, ये स्कूटर है। ये स्कूटर वाली फोटो उनके सफर की 5वीं फोटो है। जब हम दुबई चले गए तो पापा ने इसे बेच दिया। अभी तक मैं इसे ढूंढ रही हूँ। सुफानो लक। ब्रो, will you help me find this scooter? Okay, give me 2 days time. Thanks. ये गाड़ी देखिए। ये गाड़ी नहीं तो मुझे 2 दिन दीजिए। हाँ, क्या बोला? 2 दिन में ढूंढ लेंगे। 2 दिन में ढूंढ लेंगे? हाँ, थैंक यू। हाँ, ओके। शीला की जवानी। बिजी हो क्या? तो फिर रेडी हो जाओ, उमर पिक करने आ रहा है, हमें कहीं जाना है। बाद में बताऊंगा, अपना कैमरा भी लाना। जस्ट कम। ओके बाय। दैट वाज फन, थैंक यू सो मच। अपना कैमरा मुझे दो, मैं फोटोज डेवलप करूंगा। स्कूटर उनकी एनिवर्सरी पे देंगे, विल सरप्राइज देम। Okay. चलो मैं चलता हूँ। अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? आओ, अपने पेरेंट्स से मिलवाती हूँ। चलो ना, कम। शायद घर में कोई भी नहीं है। घर की सारी लाइट्स ऑफ हैं। मैं जरा देख के आती हूँ। हाँ, मॉम। हे, Rahul, you scared me. तुम अंदर कैसे आए? और इस तरह अचानक से? तुम तो अगले महीने आने वाले थे ना? ग्रेजुएशन का वेट नहीं किया? Too many questions. ग्रेजुएशन तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, राइट? उसके अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है। मुझे शायद और जल्दी आना चाहिए था। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? हम ग्रेजुएशन तक तो रुक ही सकते हैं। Sheila, I came for you. Will you marry me? Yes. सॉरी बेटा, ये राहुल का आइडिया था जो हमें भी पसंद आया। एक्चुअली हमें एंगेजमेंट नेक्स्ट वीक करनी थी और राहुल के पेरेंट्स भी मान गए। पर दोनों को देखकर लगता है कि यही सही है। It's beautiful. Made in US. Super diamond. Nothing but the best for my girl. Oh God. हाँ ठीक है, मैं देता हूँ उसे। हाँ बिल्कुल। हाँ सुनो राहुल, 1 सेकेंड, मेनन अंकल ये दो, प्लीज टॉक टू हिम। अंदर चले जाओ बेटी, कम ऑन, कम कम इनसाइड। हेलो, कहाँ चले गए तुम? जब मैं बाहर गई थी तुम वहाँ थे ही नहीं। नहीं, वो उमर का कॉल आया था। आई हैव न्यूज, राहुल वापस आ गया और उसने मुझे प्रपोज भी किया जस्ट नाउ। बालन, वी आर गेटिंग एंगेज्ड। कांग्रेट्स। ओके, बाद में कॉल करती हूँ, अभी सब लोग घर पर हैं। तुम फिर से आ गए? सर, वो लास्ट मीटिंग वॉज वेरी हेल्पफुल। मेरे लिए ये चैलेंज है, रीडर्स इसे जरूर पसंद करेंगे, मुझे यकीन है। इसे जरूर पढ़ना सर। यू वोंट मेक इट। आई एम सॉरी। जब तुम ये कार्टून बनाते हो तो क्या सोचते हो, इज इट योर टैलेंट? अगर तुम्हें ड्राइंग का इतना ही शौक है तो सड़कों पर जाओ, टूरिस्ट के लिए कुछ बनाओ। इट्स अ डाइंग आर्ट और मेरे ख्याल से इसमें तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। सर, आप इसे बिना पढ़े मेरे टैलेंट को कैसे जज कर सकते हैं? इट्स नॉट फेयर। एटलीस्ट आप इसे एक बार पढ़कर तो देखिए सर। आई प्रॉमिस यू बाद में कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यू हैव माई वर्ड। ओके, तुम इसे मेरे पास छोड़ दो। बट आई मस्ट वॉर्न यू, आई वोंट चेंज माई रिस्पॉन्स। टाइम मिलेगा तो जरूर पढ़ूंगा। थैंक यू सर, इतना काफी है। चलो, आखिर में एडिटर ने तुम्हारी ड्राइंग ले ही ली। गुड गोइंग मैन, उसे ज़रूर पसंद आएगी। आई एम श्योर अबाउट इट। व्हाट्सअप, तुम्हें क्या हुआ है? सुबह से देख रही हूँ, बहुत अपसेट लग रहे हो। आई एम ऑल राइट। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए शाम को ऑफिस में एक पार्टी रखी है। तुम्हें पता है, ये कॉस्ट्यूम पार्टी है। मूवी कैरेक्टर बनकर आना, बहुत मज़ा आएगा। उमर को भी बुला लो। लोग हमें विलन समझते हैं तो हम विलन बनकर ही जाएंगे। मैं बैटमैन का दुश्मन जोकर बना हूँ। उमर क्या बना है उसे ही पता। उसके हिसाब से पूरी दुनिया की लड़कियां उसे ही पसंद करेंगी। आज वो प्रिंस ड्रैकुला बना है, द किंग ऑफ डार्कनेस। The name is Bond, James Bond. Oh, 007. Dry martini, shaken, not stirred. Hey Umar. हाँ, तूने सही कहा था यार। हाँ, मैं जब उससे मिला था ना, मुझे तभी उसे प्रपोज कर देना चाहिए था। I love you शीला, I love you। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो और जोर से चिल्लाओ, I love you। Am I right? Yes। जरूरत हो तो मैं भी चिल्लाऊं। बालन के नायर सोलो ही खेलता है, मैं अकेले ही जाऊंगा। ए रुको रुको रुको, घर आ गया, हम पहुंच गए। गुड नाइट। अरे ये बेल कहाँ है? जी, बताइए। या बोथ हैव बिग प्लान्स। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। नो 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 नीड टू वरी। या एक्सैक्टली, जैसा आप कहें। साहब, इस वक्त यहाँ क्यों आए हो तुम? अरे कोई बात नहीं है, मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं कुछ कहने आया हूँ, कहकर चला जाऊंगा। अरे कहाँ गया? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? I love you. What? I love you. जब से मुझे वो कैमरा मिला है तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने और उमर ने क्या क्या नहीं किया है। You have no idea. पहले तो ये सब टाइम पास था, फिर जब मैं तुमसे अचानक मिला, तुम्हारे करीब आया, तब से मैं तुम्हें देखे बिना रह ही नहीं पाता हूँ। I love you. शीला, बेटा खाना खाने आ जाओ। आ रही हूँ। यहाँ दूसरा रूम है क्या? अरे जब तक मैं वापस नहीं आती चुपचाप यहीं बैठना। कितनी देर लगा दी, हमने स्टार्ट कर दिया। देखो बेटी, इसे राहुल के पापा ने इटली से भेजा है, अच्छा ब्रांड है। बेटा, फ्लावर वाले ने मुझे फोन किया था। हाँ? पूछ रहा था तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। ऑर्किड्स, व्हाइट व्हाइट ऑर्किड्स। चपाती चाहिए? हाँ, एक कौन थे? इसे भेज दो। राहुल की माँ से मेरी आज बहुत देर तक बात है। बेटी, तुम्हारी फ्रेंड योगा। मैंने तो अब तक अपना ड्रेस भी डिसाइड किया, कल चलते हैं। बेटा, सैलड ले लो। बालन, हाँ? बालन, बालन, यू आर एन अमेजिंग गाय। जो भी टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो बहुत अच्छा था, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा है। बालन, जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी, she'll be lucky। नहीं डियर, ये सब मैंने बहुत सुना है। इसकी जुबान पर कुछ है और दिल में कुछ और, पर यहाँ मामला कुछ और है। दोस्ती से बढ़ के कुछ है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरे केयर करने का स्टाइल, फिर भी ये मुझे पसंद नहीं करती। मैं जिससे शादी करूंगा वो लकी होगी। फिर मेरी लकी गर्ल तुम क्यों नहीं बन जाती? क्या हो, तुम नहीं चाहती तुम्हारी लाइफ लकी हो? बालन, मैं राहुल को जुबान दे चुकी हूं। ये बालन बालन कह के मुझे मत बुलाओ। मुझ में आखिर कमी क्या है? दिमाग नहीं है? स्मार्ट नहीं हूं? अनपढ़ हूं क्या? बालन, मेरी लाइफ में सिर्फ स्टेबिलिटी की जरूरत है। राहुल के साथ मुझे वो मिल जाएगी, बट I believe in you। और बालन, तुम्हें भी वैसी लड़की मिल जाएगी जैसी तुम चाहते हो। ये लव का चक्कर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। परेशानी, जलन, ईगो, पजेसिवनेस, मारपीट, ये सब तुम राहुल को ही देखने दो। मतलब हमारे बीच बस एक ही रिश्ता है बालन, फ्रेंडशिप का। हम बस इसी रिश्ते को निभाते हैं ना। ये मेरा डिसीजन है। और अब तुम क्या करना? बालन कब? क्या हुआ? अरे वाह, कितना बड़ा घर है। बालन, look at me, look at me, look at me. Okay, चलो, come. रुको 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 रुको। ऐसा पहली बार होगा कि बालन के नायर खाली हाथ वापस जाए। हेलो, क्या बात है, शीला की जवानी मिल गई मुझे। ये क्या था? गेटवे ऑफ इंडिया। Just come. चलो इस तरफ। Good night, Sheila. Go. Love you. Good night. I love you. Be safe. के नायर, विलन लगते हो बिल्कुल। वो इसे चाय दे दो, इसका हैंगओवर तो उतर जाए। कम ऑन, टेक इट, हैव। थैंक यू। हम डिस्कस कर रहे थे तब तुम गेट कूद कर क्यों आए? चलो फिर भी तुम पहली बार हमारे घर आए हो, ब्रेकफास्ट के बाद बातचीत करेंगे, ठीक है? कम कम ऑन। ये तो काफी साइलेंट लग रहा है। नो नो नो, he talks a lot. तुमसे पहली बार मिल रहा है ना, इसलिए। टाइम्स में जॉब करते हो, है ना? एक्चुअली कार्टूनिस्ट बनना बालन की एम्बिशन है। कार्टूनिस्ट? That's interesting. कॉमिक और कार्टून तो सबको बहुत पसंद आते हैं। Some people never grow up. Excuse me. Hello, Mom. राहुल, I'm sorry. इसे दिल पर मत लेना। शीला को मैंने कुछ नहीं बताया है, मैं सच कह रहा हूँ। वो मुझे किसी दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी और वो तुम होगे मैंने कभी नहीं सोचा था। बट द पास्ट इज पास्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना कि कॉम्पिटिशन हमेशा बराबर वालों के साथ ही होता है और तेरे जैसा आदमी कभी भी उस लीग में फिट नहीं बैठ सकता। शीला जैसी लड़की के बारे में सोचना भी तेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे तो यही लगता था। पर फिर भी तूने मुझे उस दिन चैलेंज किया। दैट्स जस्ट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। व्हाट डू यू थिंक ऑफ फ्लोरेंस? एक्सक्यूज मी? फ्लोरेंस, इटली। हनीमून वहीं प्लान किया मैंने, तुझे तो जगह का पता भी नहीं है। फ्लोरेंस के आर्नो रिवर में सनसेट बहुत रोमांटिक होता है। द फूड, द आर्ट, द फैशन, द वाइन, शीला शुड लव इट। व्हाट डू यू थिंक? शीला, हम चले? या। आई एम सॉरी, आई एम अ बिजी मैन, एंगेजमेंट में आना। बाय। राहुल, एक मिनट। बॉय स्टॉक। राहुल, एक और जगह है जो आयरन रिवर के सनसेट से ज्यादा रोमांटिक है, पियाज़ाले माइकलांजेलो। राहुल को यह जगह नहीं पता होगी। एक माइकलांजेलो नाम का स्क्वायर है साउथ ऑफ द सिटी। वहां फ्लोरेंस से ज्यादा रोमांटिक सीन्स हैं। द सन, द आर्ट, द वाइन। जो फ्लोरेंस में दिखता है वो यहां बिकता है। शीला विल लव इट। बाय। प्रैक्टिकल सोचने लगा? क्यों भाई? एक स्टेज पे आके सबको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। कब तक हम ऐसा जी सकते हैं? काफी दिनों के बाद पापा ने कहा है कि एमबीए करने यूएस चले जाओ। मुझे उनकी एक विश जरूर पूरी करनी चाहिए। कल यूएस से ऑफर लेटर भी आया है। वीसा इंटरव्यू के लिए मुझे जाना पड़ेगा। उसके लिए 2 दिन लग सकते हैं। यूएस में रिश्तेदार हैं हमारे, उनके पास रहूंगा मैं। सही है। अगर कैलिफोर्निया हुआ तो वहाँ गेमिंग का स्कोप है। गेमिंग? कहाँ का गेमिंग? जबकि मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। ये कैसा गेम है? हर समय पागलपंती करना, ये गेमिंग नहीं कुछ और ही है। यार मैं तो चला जाऊँगा, मगर तेरा क्या होगा? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है पता है? भगवान भी उसी को प्रॉब्लम देता है जो कुछ करना चाहता है। ये तेरा वीडियो गेम नहीं है उमर, जो हर स्टेज में डिफिकल्टी हो। ये लाइफ है। मैं भी लाइफ के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तुम पूछोगे नहीं क्यों? क्या मेरे पापा को खुश रहने का अधिकार नहीं है? उनके चेहरे पर हमेशा गुस्सा और टेंशन रहता है, उसे क्या कहोगे तुम? तुम्हें पता है वो क्या है? वो प्यार है। उनको हमारी उम्र में भी प्यार हुआ था, लेकिन जब लड़की की फैमिली ने पापा को डराया धमकाया तो वो डर गए। वो बहुत डरपोक थे और उस लड़की की शादी हो गई। उसके बाद उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और मुंबई आ गए। उन्होंने मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाया। कुछ सालों के बाद वो गांव गए। फिर मेरे माँ के साथ उनकी शादी हो गई, लेकिन जो उनका प्यार था वो कभी उनके दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाए, और उसी की वजह से वो उनकी शादीशुदा जिंदगी में वो कभी खुश नहीं रह पाए, और इसी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जब भी माँ ये कहानी सुनाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि पापा ने अगर थोड़ी हिम्मत दिखा दी होती तो कोई दुखी नहीं होता। आज मेरे पापा की जगह मुझे तुम दिखाई देते हो। अगर आज तुमने मेरे पापा की तरह हिम्मत नहीं दिखाई ना, तो सारी जिंदगी तुम यही सोचोगे कि काश मैं उस वक्त हिम्मत कर पाता। आज शीला की सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई है। अभी भी वक्त है। ये वक्त तुम्हारे लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। तुम्हें उसे हासिल करने के लिए लड़ना होगा। मैं जो बोला इसके बारे में सोच ले यार। उस दिन मैंने ऐसे उमर को देखा जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे लगता है पिछले जन्म में ये जरूर रोमन आर्मी चीफ रहा होगा। वीसा इंटरव्यू के बाद मैं परसों वापस आऊंगा, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। जा और एक अच्छी गोरी को पटाना। चलता हूं। आपको इस पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट पीपल। क्या इसकी जगह डस्टबिन में थी सर? बताइए मुझे, बताइए सर, आपने इसे बिना देखे कैसे फेंक दिया? लुक, चूज योर वर्ड्स केयरफुली। तुम्हारे मुंह से अगला सेंटेंस मैं सॉरी सुनना चाहता हूँ, अदरवाइज यू आर फिनिश्ड। आपको मैं खुद को फायर करने का सेटिस्फैक्शन नहीं दूंगा। आई क्विट। यू आर फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब तुम्हें कोई हायर नहीं करेगा एंड आई विल सी टू इट। हेलो। ओह फाइनली, सो रिस्पॉन्सिबल। बालन, मैंने तुम्हें 100 बार कॉल किया होगा। इतने दिन मेरी याद नहीं आई, फिर आज इतनी बार कॉल क्यों किया तुमने? बालन, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई? आई एक्सपेक्टेड यू टू कीप योर प्रॉमिस। आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम भूल गए। फोटोज कहाँ हैं? आई एम सॉरी 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 सॉरी, मैं भूल गया। मैं आ रहा हूँ। शीला, आई एम सो सॉरी। Our sincere gratitude to each and every one of you. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है। पर इस बार कुछ और भी स्पेशल है। ये सब हमने अरेंज नहीं किया है, ये सब शीला ने किया है। हमारे जीवन का अनमोल खजाना, हमारी बेटी शीला। एंड इट गिव्स ग्रेट प्लेजर टू अस दैट शी इज ऑल सेट टू हर मैट्रिमोनी। And we are all set to welcome Rahul to our family. ये एक ऑफिशियल इनविटेशन है and please consider it's a personal invitation from both of us. Sorry, मैं लेट हो गया। फोटोज इस पेन ड्राइव में है। You need to grow up, Balan. एनीवे, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। द इवेंट होस्ट, मैं अपनी बेटी शीला को इनवाइट करना चाहता हूँ, प्लीज। कुड यू प्ले दिस? ओके। माय पेरेंट्स आर द बेस्ट थिंग टू हैव हैपेंड टू माय लाइफ। सो इनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी पर इन्हें क्या गिफ्ट दूँ ये सोच रही थी, और मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया। This is for you. Watch, watch. Oh. could give us. Genius idea, बेटा. इसका सारा क्रेडिट मैं नहीं ले सकती. ये सब बालन ने किया है माम. जब वो ये लाने में लेट हो गया तो मैंने उससे बहुत रूडली बात की. मैंने उसे कॉल भी किया पर उसका फोन स्विच ऑफ है. बेचारा, उसे बुरा लगा होगा. बेटी, तुम्हें जाकर उससे सॉरी बोलना चाहिए. हाँ बेटा, जाओ. मैं तुम्हारे घर गई थी पर वहाँ कोई भी नहीं था. फिर मैंने सोचा कि तुम यहीं होगे. उमर कहाँ है? गया. कहाँ गया? बालन, आई एम सॉरी. वो फोटोज मेरे लिए तुम्हारे सिवा और कोई नहीं ला सकता था. थैंक यू. मेरे मम्मी पापा ही नहीं बल्कि मैं भी सरप्राइज हो गई. तुम्हारे मम्मी पापा के लिए नहीं, ये दिन मेरे लिए भी स्पेशल है. आज मेरा बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे बालन के नायर. आज ही के दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ. घर वालों ने भी कॉल नहीं किया. कम से कम उमर तो साथ रहता था. मैं हूं ना. कब तक डियर? How many days? एक बार तुम्हारी शादी होगी तो तुम भी चली जाओगी. कुछ दिन साथ रहते हैं फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. ऐसे ही होता है. That's life. End of the day, you are alone. Alone. बालन, तुम बहुत शराब पी चुके हो. चलो घर चलो. चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ. वो भी है क्या? वो राहुल? क्या तुम्हें कभी समझने की कोशिश की? तुम्हारी पसंद, तुम्हारा पैशन, कभी जानने की कोशिश की उसने? सबकी तरह तुम भी एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर ढूंढ रही हो ना? लाइक यू सेड, लड़कियों को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए. डू यू नो मेरे लिए राहुल बनना कितना आसान है? कभी भी, हाँ कभी भी मैं अपने पापा के बिजनेस ज्वाइन कर लेता, पर मैं अपनी तरह से लाइफ जीना चाहता था. पर मैं तुम्हारे सामने तो लूजर ही था. But I am original. उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम अपने पेरेंट्स की तरह फालतू प्यार में विश्वास नहीं करती. प्यार तब से अब तक प्यार ही है शीला. तुम भी कहीं ना कहीं रोमांटिक ही हो, इसीलिए तुमने अपने पेरेंट्स को ऐसा गिफ्ट दिया. तुम्हें उससे पूछना होगा कि जब तुम उस पुराने स्कूटर पर बैठी थी तो तुम कितनी खुश हुई थी. क्या राहुल की स्पोर्ट्स कार में वो बात है? राहुल, उसका नाम ही कितना कॉमन है. हर हिंदी फिल्म में शाहरुख का यही नाम होता है. क्लाइमैक्स में हीरोइन राहुल को ही मिलती है, तो बालन के साथ कोई हीरोइन कैसे आएगी? कल सुबह ठीक 10 बजे मैं तुम्हारे घर उस पुराने स्कूटर में बैठ के आऊंगा. अगर तुम में गट्स होगा, अगर तुम ओरिजिनल हो, तो इस विलन के साथ आना, इस बालन के नायर के साथ आना. हे, तेरा वीजा इंटरव्यू कैसा रहा? तू कहाँ जा रहा है? तुझे कहीं और शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। तू जब तक चाहे रह सकता है, ये घर हम नहीं बेचने वाले। यार मैं अब जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मंजिल का तो पता नहीं, हो सकता है नॉर्थ जाने वाली ट्रेन में बैठ जाऊंगा। बस जा रहा हूँ। मुझे पता है ये अजीब है, पर अब इस शहर से दूर चला जाऊंगा। तेरी जॉब का क्या हुआ? मोबाइल और इंटरनेट के बिना शांति से कुछ पल बिताना चाहता हूं। इस शहर में मेरा बस तू ही तो है उमर। कैलिफोर्निया जाने के बाद तो तू भी बिजी हो जाएगा। चल फिर, गुड लक। तू बहुत सक्सेसफुल होगा मेरे दोस्त, और तेरे ऊपर वहां की मॉडल्स और डॉलर्स दोनों बरसेंगे। तुझे ड्रॉप कर देता हूं। नहीं, मैं चला जाऊंगा। क्या मेरी एक हेल्प करेगा? हाँ। ये स्कूटर शीला को दे दे। चल बाय। शीला, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि तुम्हारे एक डिसीजन से सब कुछ बदल सकता है। पर बेटा वो है कहाँ? उसने आज सुबह तुमसे मिलने के लिए कहा था ना। It's already 11 o'clock. उसका फोन स्विच ऑफ है पापा। बालन ने तुम्हें ये देने के लिए कहा है। बालन कहाँ है? वो चला गया। पर कहाँ? वो ये शहर छोड़ के गया है। कह रहा था कि शहर में नहीं रहूंगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बस उस राहुल की चिंता है। शीला, मैं अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहती हूँ। उसने कहा था कि वो 10 बजे स्कूटर लेकर यहाँ आएगा, और उसने कहा था कि मैं उसकी हो जाऊं। अब वो कहाँ चला गया? जब ऐसा उसने कहा तब उसने ड्रिंक किया था क्या? हाँ। फिर तो वो कल रात की बात भूल गया होगा। वो तो चला गया। What? उमर, स्कूटर स्टार्ट करो। बेटा तुम कहाँ जा रही हो? ये तो मेरा पुराना स्कूटर है। हाँ, लगता तो वही है। ये सब बातें बाद में बताऊंगी। ओ, बेटी। बेटा। शीला। बहुत सी लव स्टोरीज का क्लाइमैक्स रेलवे स्टेशन पर खत्म होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना वक्त बीता है, जब भी हीरो ट्रेन में बैठता है हीरोइन की एंट्री होती है। अनफॉर्चुनेटली मेरी कहानी का क्लाइमैक्स इतना फिल्मी नहीं था। तुम यहीं के हो क्या? अरे बताओ भाई। गोवा तक मुझे कंपनी चाहिए थी, वरना इस बुड्ढे के साथ बैठा रहा तो ये मुझे पका डालेगा। भाई कहाँ जा रहे हो? मैं तो गोवा जा रहा हूँ, वहाँ आज पार्टी है, फुल मून पार्टी। वहाँ मस्त चिक्स के साथ चिल मारूंगा, तुम भी आ जाओ ना। क्या बात है भाई, बड़ा ही बोरिंग आदमी है। हेलो दोस्त। हाँ मैं बोर हो रहा हूँ, तुम कहाँ पे हो? हे, उस नंबर की ज़रूरत नहीं है। अरे उस नंबर पर रोमिंग लगती है। हाँ नंबर है 890-8911-111। हाँ फैंसी फैंसी। ओके बडी, सी यू इन गोवा। यार इस नंबर से बार बार फ़ोन कर रहा है, 890-8911-111। जब मैंने तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखा मुझे लगा नहीं यहाँ तुम बैठोगे। मेरा नाम मिस्टर नायर है, फ़ोन नंबर 8089-212200। अपना सामान नहीं चाहिए तुझे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इससे ज्यादा कुछ हासिल भी नहीं होता। मैंने कहा था कि आज का प्यार प्रैक्टिकल हो गया है। मैंने ये भी कहा था कि सच्चा प्यार हमारे पेरेंट्स के टाइम पर होता था, और अब तक मैंने सच्चा प्यार कुछ समय पहले तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट आई लव यू बालन, एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। मैं अब विलन के साथ ही जाऊंगी। आई लव यू। I love you. मैंने कहा था ना, क्लाइमैक्स तक ये मेरी होगी। चल। हाँ। तेरी तो रुक। चल।